चार्ली चैम्पियन सबसे महान और व्यापक रूप से पसंद किए जाने वाले मूक फिल्म सितारों में से एक थे। इजी स्ट्रीट से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक उन्होंने अपने समय की कई सबसे मज़ेदार और सबसे लोकप्रिय फिल्में बनाई है। वो अपने किरदार भोले भाले और प्यारे लिटिल ट्रम्प के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। लिटिल ट्रम्प बेथ के साथ फटे पुराने सूट में एक नेकदिल आदमी हमेशा खुद को अजीब परिस्थितियों में लड़खड़ाते हुए और चमत्कारिक ढंग से लड़खड़ाते हुए पता था। किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक यह दयालु चरित्र है जिसे हम टॉकीज से पहले के समय से जोड़ते हैं। 1889 में लंदन में जन्मे चैम्पलिन ने पहली बार 1907 में एक थिएटर कंपनी के साथ अमेरिका का दौर किया। शर्लक होम्स नाटक में बिल्ली बिल्ली के रूप में दिखाई देने वाले युवा चैम्पलिन ने दो बार देश का दौरा किया। अपने दूसरे दौरे पर उनकी मुलाकात मैक सेनेट से हुई और उन्हें फिल्म में अभिनय करने के लिए क्रिस्टोना स्टूडियो में साइन किया गया। 1914 में चैम्पलिन ने अपना पहला वन लिटिल मेकिंग अ लिविंग बनाया। उसी वर्ष उन्होंने 34 और लघु फिल्में बनाई जिनमें कोट इन ए कैमरे, कोट इन द रेन, द फेस ऑन द बार रूम फ्लोर और ही ट्विस्टिंग प्लेस शामिल है। इन शुरुआती मूक शॉर्ट्स में शारीरिक कॉमेडी के अलावा किसी भी चीज़ के लिए बहुत कम समय मिलता था और चैम्पलिन इसमें माहिर थे। चैम्पलिन की फुहारी कलाबाजी ने उन्हें प्रसिद्ध बनाया लेकिन उनके अभिनय की सूक्ष्मताओं ने उन्हें महान बना दिया। जबकि हेरोला लॉयड ने घड़ियों से लटकते हुए साहसी भूमिका निभाई और बास्टन किटन में अवास्तविक और जटिल परिस्थितियों से निपटने का प्रयास किया। चैम्पलिन ने खुद को सुधार के साथ जोड़ा। चैम्पलिन के लिए किसी स्थिति के हास्य या करुणा का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका एक वातावरण बनाना और उसके चारों ओर तब तक चलना था जब तक कि कुछ स्वाभाविक ना हो जाए। आरंभिक थिएटर और फिल्मों की चिंता भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले अत्यधिक नाटकीय अभिनय के माध्यम से दर्शकों का ध्यान बनाए रखना था, लेकिन चैम्पलिन ने फिल्म में पर्यावरण को इतना नियमित करने का अवसर देखा कि सूक्ष्मता आ सके। चैम्पलिन को हॉलीवुड में सबसे अधिक मांग वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में जाना जाता था। भाग के आकार की परवाह किए बिना चैम्पलिन ने प्रत्येक अभिनेता को प्रत्येक दृश्य के माध्यम से दिखाया। चैम्पलिन को पता था कि एक सफल दृश्य केवल स्टार के बारे में नहीं था बल्कि स्क्रीन पर मौजूद सभी लोगों के बारे में था। उन्होंने मांग की सभी कलाकार हर प्रदर्शन में एक साथ काम करें। इस एकता के बिना वह चरित्र की सूक्ष्मता को व्यक्त नहीं कर सकता था जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उस एकता को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रत्येक दृष्टिया पर पूर्ण निर्माण बनाए रखना था। विस्तार पर इस निरंतर ध्यान ने कई विशेषताओं को समय समय पर और बजट से अधिक चलाया लेकिन सार्वजनिक प्रतिक्रिया ने उन्हें और स्टूडियो को अस्त किया। वह जोर कर रहे थे, वह काम कर रहा था। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई उन्हें फिल्मकाना में और अधिक स्वतंत्रता ले ली। उनकी 1985 की हिट द ग्लो ड्रस जैसी फिल्में में दृश्य के निरंतर पुनर्वाक्य और सेट के पुनर्निर्माण की मांग की गई है। चैम्पलिन ने आमतौर पर कैमरा के सामने अपनी कहानी को केवल एक स्क्रिप्ट के बुनियादी ढांचे के साथ सुधारा। फिल्म बनाते समय उन्होंने सैकड़ों टेक शूट और प्रिंट किए। हर एक कपड़े में थोड़ा प्रत्ययम का बदलाव था। हालांकि यह विधि अपरागात थी लेकिन खर्च और अप्रभाविता के कारण यह जीवंत और सहज फुटेज प्रदान करती थी। फुटेज से जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसे लेते हुए चैम्पलिन अक्सर एक दृश्य को पूरी तरह से पूर्ण गठित कर देते थे। उनके लिए किसी फिल्म के आधे अधूरे दौर में यह निर्णय लेने की कोई अभिनेता का काम नहीं कर रहा है और किसी नए के साथ शुरुआत करना असामान्य बात नहीं थी। कई अभिनेताओं को निरंतर टेक और अनिश्चय कष्टदायक लगी लेकिन वे हमेशा साथ रहे क्योंकि वे जानते थे कि वे एक मास्टर के लिए काम कर रहे थे। हालांकि चैम्पलिन ने मूक फिल्म युग के है हम आप उनकी उपलब्धियों को आज की फिल्मों में भी देखते हैं। फीचर लेंथ टॉकीज के आगमन के साथ अधिक सूक्ष्म अभिनय की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। 6 रील वाली फिल्म में दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए एक अभिनेता को लगातार थप्पड़ से आगे बढ़ने की जरूरत थी। चैम्पलिन ने किसी अन्य से बहुत पहले ही इस गहराई की मांग की थी। अभिनय और निर्देश की प्रकृतियों के प्रति उनकी कठोरता और चिंता ने उनकी फिल्मों को महान बनाया और एक नया अधिक पृष्ठ पर सिनेमा का मार्गदर्शन प्रशस्त किया।